इंग्लैंड सीरीज से ठीक पहले बाबर आजम का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड से सीरीज खेले जाने से पहले बाबर आजम ने दिया है क्या बड़ा बयान, बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं तो हमारी वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्रिकेट के रिलेटिव हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचाई जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, एशिया कप में बाबर आजम का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा था। हालांकि एशिया कप का फाइनल हारने की वजह भी बाबर आजम को ही बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फैन बाबर आजम की बल्लेबाजी पर काफी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, अब इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान ने 7 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। 20 सितंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में पहला मुकाबले की शुरुआत होगी, जबकि इस T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 2 अक्टूबर को खेला जाना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन 2022 में उनका बल्ला पूरी तरह से नहीं चला, जिसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक बड़ा बयान दिया है। बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं मानता हूं एशिया कप 2022 में मुझसे रन नहीं बने और लोगों ने मुझ पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए, पर कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है, कभी कभी खिलाड़ियों का खराब समय भी आता है। बाबर आजम ने आगे कहा, इस बार रिजल्ट कुछ अलग होगा और लोगों को जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। आपको बता दें कि बाबर आजम का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बेहद शानदार रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम ने कुल 7 T20 मैच खेले हैं और 7 मैचों में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 143 का रहा है। 143 की स्ट्राइक रेट से इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम ने 274 रन बनाए हैं। दोस्तों आपकी राय इस वीडियो पे क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा।